गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों हमने एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत पढ़ ली थी, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, हमने चार्ज कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा। आज हम लोग अपने मेन सिलेबस में एंटर करने वाले हैं, तो बिना समय बर्बाद किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। देखो बच्चों, अब क्या है कि आपको अब समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उस इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा तीन चीजें। पहली चीज कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यह सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि भैया जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। और तब तीसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, है ना। क्योंकि बिना इन तीन चीजों को समझे, बिना इस तीन चीजों को समझे आप करंट को नहीं समझ सकते हो कि आखिर एग्जैक्टली करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं और किसी भी तार में इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, ये नहीं समझ पाओगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके और बड़े ही डीप में चीजों को समझते हैं। आज का क्लास मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं टॉपिक्स को कवर अप करेगा और आपको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दिलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग विथ करेंट का, ठीक है। तो बहुत ही सीरियसली इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर लो। आ जाओ बच्चों, बहुत सिंपल सा टास्क है, हाँ जाइए देखते हैं क्या कहानी है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, और वो चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझना, मैं लिखने को हर वो चीज लिखवा दूंगा जो आपको चाहिए, हर वो चीज, है ना, बस अति समझो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉपी में लिख लोगे और तुम्हें समझ नहीं आएगी तो फिर इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो आ जाइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आप कोई सा भी एक चार्ज ले लो, कोई सा भी एक चार्ज ले लो, मैंने मान लो प्लस क्यू अमाउंट का एक चार्ज ले लिया, ठीक है, कोई सा भी एक चार्ज ले लो। अब इस चार्ज को तुम दुनिया में कहीं पे भी रख दो, तुम्हारी मर्जी, तुम इस चार्ज को ऐसे हवा में लटका दो, लटका हुआ है, तुम्हारी मर्जी, तुम इस चार्ज को ले जाके स्पेस में रख दो, तुम्हारी मर्जी, तुम इस चार्ज को ले जाके नाली में डुबा दो, कहीं पे भी रख दो, जहां पे भी इस चार्ज को रखोगे, है ना, ये अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ, चारों तरफ का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, है ना। अब मैं तुमको थ्री डायमेंशनल यहां तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन समझो कि ये चार्ज अपने चारों तरफ एक एरिया सेट करता है। क्या सेट करेगा बताओ, एक एरिया, खास करके हम लोग इसको एक रीजन कह सकते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में, एक रीजन सेट करेगा, है ना। जरूरी नहीं है कि यही चार्ज पार्टिकल सेट करे, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक एरिया सेट करता है, ठीक है। इस एरिए में, अगर इस एरिए में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ गया, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ गया, तो वो दूसरा चार्ज पार्टिकल एक अपने आप में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी, दोनों होते हैं। तो हमको अभी उस पर डील नहीं करना, हमको बस इतना समझना है कि ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। समझ गया बात को, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, एकदम आराम से समझो। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एरिया, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एरिया, जिस एरिए में कोई दूसरा चार्ज, कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उस एरिए को, उस इलाके को
इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब देखो मैं इसको लिखूंगा तो तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एकदम ध्यान से देखो कहां लिख दो, चलो यहीं लिख देते हैं, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, इज द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल in which a another charge particle experience the electrostatic force of attraction या फिर रिपल्सन। अब समझना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया है, ये एरिया किसके चारों तरफ होता है, ये एरिया चार्ज की चारों तरफ होता है, और इस एरिया में क्या होता है, अगर इस एरिया में कोई दूसरा चार्ज आ गया तो ये एक नए प्रकार का फोर्स फील करेगा, वो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो अगर हमको डिफाइन करना हो, हाउ कैन वी डिफाइन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या कहोगे, अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच अ न्यू और अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, यानी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो इलाका जिस इलाके में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाए तो वो चार्ज पार्टिकल क्या फील करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, उस इलाके को, उस रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स तो दो प्रकार के, या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल करेगा, सिंपल है। अगर यहां प्लस क्यू है और आने वाला चार्ज भी प्लस है तो रिपल्सन फील करेगा, लेकिन अगर यहां प्लस क्यू है और आने वाला चार्ज माइनस क्यू है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्शन फील करेगा, समझ रहे हो बात को, प्लस क्यू होगा तो रिपल्सन फील करेगा, माइनस क्यू होगा तो अट्रैक्शन, यानी अगर सेम चार्ज आता है तो रिपल्सन और अगर अनलाइक चार्ज आता है तो अट्रैक्शन फील करेगा, समझ गए मेरी बात को। ये जस्ट मैग्नेट की तरह है, क्या होता है, ये मैग्नेट है मेरा, समझना, ये मैग्नेट है। अब हम इस मैग्नेट से तुम्हारे घर पे रखा हुआ कांटी तुम्हारे घर की तरफ से दिखाएंगे, टक, अब तुम्हारा घर पता नहीं कहाँ है, वहां कहीं कांटी रखा है, कांटी ऐसे हिलेगा, थैनोस का हाथ थोड़ा नहीं है यार मेरे, मेरे पास हाथ में थैनोस वाली पावर नहीं है कि मैं थैनोस कह रहा हूँ, सॉरी थॉर वाली पावर नहीं है कैसे करूं, और मैग्नेट की तरह कहीं से भी हथौड़ा आकर टक से इसमें चढ़ जाएगा, नहीं भैया अपना इलाका होता है, अगर मैं इलाके में ऐसे करूं तभी होगा, अगर इलाके से बाहर चले गए तो अपनी कोई औकात नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। तो जैसे जैसे जो मैग्नेट, अगर मैग्नेट से इतने दूर पे कोई लोहा का पार्टिकल रख दूं क्या ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं, लेकिन टक 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 यहां लाए सट से चिपक गया, यहां लाए सट से चिपक गया, लाए चिपक गया, लाए चिपक गया, समझ रहे हो बात को, यहां लाए पट से चिपका, इसके पहले तक नो इफेक्ट, लेकिन जैसे इंटर किया चप से चिपकता है। तो इस मैग्नेट का भी एक इलाका होता है ना कि उस इलाके के अंदर लाओगे तो ये फोर्स लगाएगा और पक से चिपक जाएगा, उसी तरीके से चार्ज का भी अपना इलाका होता है, और उस इलाके में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस चार्ज पे ये चार्ज क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी। तो आई होप आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको पट से उतारो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी कर लो। चलो
चलो मेरे प्यारे बालक, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक छोटी सी जानकारी इकट्ठा की कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ये आपको पता चल गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, है ना। चल बहुत सुंदर, अब हम लोग आते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा ये बताओ पोटेंशियल शब्द कभी सुना है पहले कभी? जी सर बहुत बार सुना है, मम्मी पापा बार बार बोलते हैं मेरे बेटे के अंदर पोटेंशियल बहुत है बट ये मन से पढ़ता नहीं है सर। ये वाली बात बहुत बार आती है, नहीं हाँ सर मैंने वहां पे पोटेंशियल सुना है, तब तक पीछे से बचा तुम गधा है, ग्रेविटी चैप्टर में नहीं पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल MGH होता है। हाँ सही बात है, आइए अब देखते हैं कि यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक चलो अब समझो, लिखने वाली बात है मैं लिखा दूंगा, पहले समझो। मान लो कि यहां पे प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज, ठीक है प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज, इस चार्ज ने अपने चारों तरफ क्या सेट किया होगा बताओ? सर ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया होगा, क्या सेट कर दिया होगा बताओ? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया होगा, ठीक है अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसने अपने चारों तरफ क्या कर दिया है, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया, बहुत सुंदर बात है। अब क्या हुआ कि हम एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और ये बाहर है, ये अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, हमने इस बाहर से इस चार्ज पार्टिकल को लाना शुरू किया, अपने सर पे इसको रख लिए, समझो है समझना, ऐसे अपने सर पे इसको रख लिए और इसको लेके आ रहे हैं टक 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 टक, यहां तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक लाने में हमको इस चार्ज पार्टिकल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मेरे पे फोर्स नहीं लगा रहा है, हम ऐसे आराम से लेके चले आ रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको मेरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है नहीं। लेकिन जैसे ही हम इस प्लस क्यू के एरिया में इंटर किए, यहां पे इंटर किए, अब हम क्या पाए कि भैया इसके अंदर आ गए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए, तो ये प्लस था ये भी प्लस था, इसके ऊपर कैसा फोर्स लगने लग गया बताओ? इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगने लग गया। अब इसको यहां से यहां तक लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे अगेंस्ट में क्या एक्ट हो रहा है? फोर्स एक्ट हो रहा है। तो जो आपने वर्क किया वो वर्क ही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको अब अच्छे से समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन, समझना, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, टू द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन किस चीज में? इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, इस चीज को ध्यान रखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से लाने में? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो कोई भी चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड तो सेटअप होता ही होता है। अब आप अगर इसके बाहर से देखो, इन्फिनिटी कोई जानता नहीं है मेरे बच्चों, आपको पता है क्या कि इन्फिनिटी क्या होता है? आपको नहीं पता है। आप बता सकते हो कि सर ये चीज इन्फिनिटी है? बोलोगे सर इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर है और वो नंबर है एक्स, हमने फाइंड किया वहां पे एक्स था, हम बोलेंगे उस एक्स में वन जोड़ो। अब बताओ एक्स सबसे बड़ा है कि एक्स प्लस वन बड़ा है? तो नहीं बता सकते हो ना, सबसे ज्यादा बड़ा नंबर आप नहीं बता सकते हैं। तो हम इन्फिनिटी को नहीं जानते हैं, तो यहां पे जो शब्द यूज हुआ है इन्फिनिटी, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, है ना। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, जैसे मान लो मेरे को यहां का इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, क्या पता करना है? पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से
चार्ज को अंदर लाने में, चार्ज को अंदर लाने में जो काम हमें करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन कहलाता है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझना मेरी बात को, तुम ध्यान समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का। अच्छा एक बात बताओ, समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां का बताया जा सकता, हवा में का बताया जा सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप नहीं बता सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा करूं, एक लाइन इसमें अगर चाहूं तो जोड़ दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट। अब ज्यादा बेटर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट का क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है, वर्क डन का अमाउंट है। तो सर वर्क डन आप कैसे कर रहे हो, अगर किसी चार्ज को हम इंफिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, उस पॉइंट पे ला रहे हैं, तो उस पॉइंट पे लाने पे जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर, तो हिंदी में अगर बताना हो साफ सुथरी शब्दों में तो कैसे बताओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट का अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद रखना यूनिट चार्ज का वर्क डन होता है, एक कूलम, एक माइक्रो कूलम, एक नैनो कूलम हो सकता है, दो चार के लिए नहीं होता है, यूनिट चार्ज है ना, यूनिट चार्ज पे डिफाइन किया गया है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट का अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो हमें करना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो हमें काम करना पड़ा, जो वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अब समझ लो कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग लिखते किस चीज से, भी से, किससे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, भी से सिंबल डिनोट किया जाता है, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई भी, है ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो भी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, वर्क डन का होता है जूल, ऐसा यूनिट, चार्ज का होता है कूलम, तो इसका हो गया जूल पर कूलम, लेकिन इस जूल पर कूलम को कहा जाता है वोल्ट, क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बेटा हमको बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से बता दो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, बताइए मेरे को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो बात को एकदम ध्यान से, कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे मान लो मेरे को यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता लगाना है आर का, तो इंफिनिटी से आर तक लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज कहलाएगा। और हम किसको लेके आएंगे, तो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे। अच्छा ये फॉर्मूला कहां से आया, तो कहा गया कि Q अमाउंट का चार्ज को लाने में W वर्क करना पड़ा, तो एक अमाउंट, एक यूनिट चार्ज को लाने में W बाई क्यू वर्क करना पड़ा, और यही W बाई क्यू वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी भी कहते हैं। ठीक है, तो किस चीज से डिनोट होता है, भी से डिनोट होता है, और ये क्या होता है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये सब बातें लिख लो, चलो मैं एक लाइन बोल रहा हूं सुन के लिख लो, डेफिनेशन में लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है, कुछ काम की बातें हैं लिखते हैं, बोल देता हूं मैं एक बार, आप उसको प्ले पॉज करके लिख लेना। पहला पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम व्हिच इज आल्सो known as volt, एक लाइन ये लिख लेना है आपको। दूसरा लिख लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, ऐसे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, W को क्या लिखोगे, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। और उसके बाद इसको सिंबलाइज करना W by Q, है ना, भी इक्वल टू W by Q से हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है, सिंपल सी बात हो गई। ये डेफिनेशन उतारो और जो मैंने दो बातें बताई उसको उतार लो पॉइंट करके। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें अभी मतलब डेफिनेशन वाइज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, पहले इसको उतार लो। चलो आ जाइए, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जान लिया, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान लिया, काफी कूल बातें हैं। अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करने वाले हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना। चलो देखते हैं क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहता है, समझना बात को, पहले लिख दे रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। मैंने पहला चीज लिख दिया, मैं समझा रहा हूं उसको, ये पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा भी, एंड दिस डेल्टा भी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। जहां पे डेल्टा भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, डेल्टा डब्ल्यू होता है वर्क डन और क्यू होता है चार्ज, है ना। अब सिंपल सी बात अगर हम लोग इस पे करें, हल्की सी बातें, थोड़ी सी और इसको एलैबोरेट करें, एक और चीज लिखें, तो इट्स एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम व्हिच इज इक्वल टू वोल्ट, किसके बराबर, वोल्ट के बराबर ही होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का और पोटेंशियल का सिम्स दोनों का क्या होता है, जो एसआई यूनिट होता है सेम होता है। यार आखिर है तो डिफरेंस, पोटेंशियल का अंतर, तो यार फोर्स में से फोर्स घटाओगे तो फोर्स ही ना मिलेगा, कि फोर्स में से फोर्स घटाओगे तुमको मास मिल जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो एक पोटेंशियल में से दूसरे पोटेंशियल घटाएंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा एंड तब उसका भी यूनिट वोल्ट होगा। तो पहले इसको उतारो, फिर मैं एक एक करके चीजें समझाता हूं। चलो एक बार जरा उतार लो इसको, जल्दी से उतार लो, फ्रेम देखो जरा। हाँ सही है, उतर गया ना, हाँ बहुत अच्छी बात है, उतर गया। चलिए आइए अब जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्या कहा गया, मैं यहां समझा रहा हूं, समझना। ये मेरा एक चार्ज है क्यों, इस चार्ज के चारों तरफ, इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को जानना है दो पॉइंट का, एक पॉइंट ए का और एक पॉइंट बी का, ठीक है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल का कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, ये पता लगाना है। तो कैसे डिफाइन किया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है। बट इस बार हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से नहीं ला रहे हैं, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी मूव करेंगे। कहां से कहां मूव करेंगे बताओ, ए से लेके बी तक मूव करेंगे, ए से लेके बी तक मूव करेंगे। पहले जब वो चार्ज ए पे था तो उसके पास कुछ पोटेंशियल रहा होगा भी ए, जब वो मूव करके बी पे चला गया तो उसके पास पोटेंशियल हो गया होगा भी बी। अब भी बी में से भी ए को घटा दोगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस मिल जाएगा, यानी पोटेंशियल का
चेंज मिल जाएगा। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस सर? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है, लेकिन इस केस में हम इंफिनिटी से नहीं लाते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे जो वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन मेरा क्या कहलाता है? पोटेंशियल का डिफरेंस कहलाता है। समझ गए होगे? सामने सब चीज लिखी हुई है, फट से इसको उतारो, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले उतार लीजिए, बड़े आराम से इसको उतार लीजिए। चलिए, आज एकदम थ्योरेटिकल बातें हम लोग कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बारे में बात करेंगे। कल इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी को क्लीन करेंगे, छोटी छोटी और बातें जानेंगे, है ना। चलो उतार लो इसको। ठीक है क्या? बहुत सुंदर। आ जाइए बालको, देखते हैं हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, है ना। आ जाओ, अब हम बात करेंगे। सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। अभी हम लोग उसके बारे में बहुत डेप्थ में नहीं जाने हैं, बस हल्का हल्का डेफिनेशन समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बस बेसिक डेफिनेशंस। ना तो हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किया, ना ही बहुत ज्यादा डेप्थ में गए, नॉर्मल बातें सीखी। अब आ जाओ, अब जो मैं बता रहा हूं उसको देखो, वो है करेंट। हम लोग किसको डिफाइन करने जा रहे हैं? करेंट को, खास करके मैं यहां डिफाइन करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक करेंट को, है ना। क्या शब्द यूज करेंगे हम लोग? कभी भी इलेक्ट्रिक करेंट, बिकॉज करेंट का मतलब होता है प्रवाह, धारा प्रवाह, जो करंट, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की बात करनी है। ठीक है, अब समझो मेरी बात को, क्या डिफाइन किया गया है? कहा गया है इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या डिफाइन किया बताओ? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। मैक्सिमम बुक में यही मिलता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। यहां लगाओ रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। मैं समझाता हूं क्यों, देखो समझना, एकदम आराम समझो, हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहा गया? तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, रेट है चार्ज के फ्लो का, रेट है चार्ज के फ्लो का, कि एक जगह से चार्ज दूसरी जगह किस रेट से फ्लो कर रहा है, यानी पर सेकंड कितना गया। अगर एक सेकंड में 10 कूलम चला गया तो उसका इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर हो गया, अगर एक सेकंड में 50 कूलम चला गया तो उसका इलेक्ट्रिक करंट 50 एम्पियर हो गया। कुछ नहीं है, रेट है चार्ज के फ्लो का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। ठीक है, अब समझो, देखो क्या होता है, समझना मेरी बात एकदम आराम से। ये एक कंडक्टर हमने ले लिया, समझना, ये एक कंडक्टर है। क्या है मेरे बच्चों? ये सिंपल सा एक कंडक्टर है, है ना, एकदम सिंपल सा एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर है। चलो अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम बनाते हैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या हो गया मेरा बताओ? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हो क्या होता है? किसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझते हो क्या? नहीं समझते हो ना, रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हेलो, हाँ, तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था तुम लोग को? मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो मुझे जरा एक्सप्लेन करने दे तो इसके बारे में। मैं, देखो हमने क्या बताया तुमको, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज फ्रॉम अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। अब समझो, मान लो मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और हमने इसमें एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया। अब ये यूनिफॉर्म तो ठीक है, यूनिफॉर्म का तो मतलब समझ में आता है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करो। तो बड़े ध्यान से समझना बच्चों, बड़े ध्यान समझना। हंसी आ रही होगी ना, चलो हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है। ये क्या है? करेला।
पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को, बट हाँ हिंदी में करेला कहते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक, मैंने ऐसे हाथ डाला, कंडक्टर बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है तुम्हारा, इसमें हमको पता करना है कि सर क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या, ये पूरा एरिया क्रॉस सेक्शनल, ये पूरी की पूरी इसकी सीएसए है क्या, ये कर्व सरफेस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है कि कुछ और। तो समझना क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या। जैसे मान लो मैं इसको काट देता हूं, ऐसे मैंने बीच से काटा, ठीक, और काट के हम इसको हटा देते हैं। अब देखो जब तुम काटे तो ये जो तुमको एरिया दिखा सर्कल में, ये एरिया सर्कल का दिखा, दिस एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ध्यान से देखो, ये जो सर्कल का पार्ट दिख रहा है ये एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यानी किसी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब का उस सिलेंडर शेप का वायर का पूरा सिलेंडर का एरिया निकालोगे, नहीं, उस वायर के क्रॉस सेक्शन का मतलब कि ये काटने पे जो ये एरिया दिख रहा है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसे देखो मैं इसको एकदम पतला सा स्लाइस कर लेता हूं, ठीक है। तो ये स्लाइस करने पे ये जो दिखा ना तुमको, ये सर्कल का जो एरिया तुमको दिख रहा है जिसको हम लोग पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे, ये सर्कल का एरिया कहलाता है उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल। मतलब मैंने यहां से खट से अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला तो ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब पर सेकेंड इससे कितना पास कर रहा है चार्ज, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड, अगर मैं इसमें होल कर दूं, मान लो मैंने इसके अंदर इसे करके खूब करके होल कर दिया, तो देखो ये एरिया बन गया, समझना ये एरिया बन गया, देखो होल कर दिया, बन गया एरिया। अब हम इसमें से चार्ज पास कर रहे हैं, टुक 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 टक, इधर से निकला टक टक टक, मान लो एक सेकंड के अंदर पांच चार्ज इसमें से बाहर निकल गया, इस छेद में से पांच चार्ज बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये एरिया कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको करंट कहते हैं। इस पूरे कंडक्टर से नहीं देखना है हमको, बस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से देखना है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे लगाए टक से बाहर निकाले, इस एरिया से, समझ रहे हो ना बात को, एकदम ध्यान से समझ गए होगे। चलो आ जाओ अब थोड़ा सा और आगे बढ़े इस चीज में, देखिए ध्यान से अब क्या कर सकते हैं सर। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होगा, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, कौन से मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में, ठीक है। रैंडम मोशन का मतलब कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, जिगजैग पाथ में, ठीक। तो जब हमने इस कंडक्टर को ऐसे ही नॉर्मल रखा है तो भैया यहां पे भी फ्लो ऑफ चार्ज तो है, चार्ज मिला फ्लो तो कर रहा है भैया, लेकिन करंट नहीं है। क्यों करंट नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मान लो इस एरिया से इस साइड पांच इलेक्ट्रॉन गया तो इसी एरिया से इस तरफ पांच इलेक्ट्रॉन फिर चला आया, तो पांच गया तो पांच चला आया, नेट फ्लो जीरो। तो जब नेट फ्लो है ही नहीं तो इसमें करंट होगा ही नहीं, और इसीलिए अगर आप कंडक्टर को नॉर्मल लेते हो, कोई लोहा है वो नॉर्मल है और इसको छुओ कोई करंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज का फ्लो तो है लेकिन नेट चार्ज का फ्लो नहीं है। एंड दैट्स व्हाई मैंने यहां पे क्या लिखवाया, फ्लो ऑफ चार्ज मत लिखो, चार्ज फ्लो तो कर रहा है, चार्ज ऐसे अस्थिर थोड़ी है, स्टैचू थोड़ी बना हुआ है, वो फ्लो कर रहा है लेकिन उसका नेट फ्लो चाहिए, फ्लो ऑफ नेट चार्ज चाहिए जो कि नहीं है। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन में, समझना, अब हमने क्या किया, हमने इसी कंडक्टर में, इसी कंडक्टर में हमने क्या कर दिया, एक तरफ बैटरी का टर्मिनल सेट कर दिए, एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिए और एक तरफ बैटरी का तार से नेगेटिव टर्मिनल लगा दिए। समझो बात को, जैसे इधर पॉजिटिव लगाए इधर नेगेटिव लगाए, क्या हुआ, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लगाओगे इलेक्ट्रॉन्स धड़ाधड़ एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन धड़ाधड़ क्या होने लगेगा, एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। अब यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया लो, अब सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो अब उधर तो कोई जाने वाला है नहीं, सब एक डायरेक्शन में इधर फ्लो करने लग गए, तो अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज का फ्लो मिलेगा। अब एक सेकेंड में जितना चार्ज इस साइड आएगा, जितना चार्ज इधर फ्लो करके आया उतनी उसकी करंट हो जाएगी, समझ गए ना बात को। तो करंट क्या है,
करेंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज फ्रॉम अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या ऐसे ही नॉर्मली मिल जाता है? नहीं, इसको पाने के लिए, नेट चार्ज के फ्लो को पाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स को लगाना होता है। किस चीज को लगाना होता है? एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, है ना, एक्सटर्नल सोर्स। और ये एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? ये कहलाता है हमारे आम बोलचाल के भाषा में बैटरी, और अगर हम अपने फिजिक्स की भाषा में बात करें तो कहलाएगा पीडी। पीडी माने पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो ये एक्सटर्नल सोर्स है या कैची का सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। ठीक, इस पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स को लगाने से क्या हुआ? एक तरफ हाई पोटेंशियल हो गया और एक तरफ लो पोटेंशियल हो गया। एक तरफ हाई हो गया, एक तरफ लो हो गया। अब क्या होने लगा? करंट हाई से लो फ्लो करने लग गया। ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि हम एक दो बाल्टी ले लेते हैं, ठीक है, और दोनों बाल्टी में पानी है और दोनों बाल्टी को पाइप से कनेक्ट कर दिए हैं। दोनों बाल्टी एक ही लेवल पे है, तो जब एक ही लेवल पे होगा तो क्या एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पानी जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम एक बाल्टी को ऐसे उठा दें तो ऊपर वाले बाल्टी से नीचे वाले में पानी गिरना चालू हो जाएगा। वही होता है जब आप इसमें कुछ नहीं लगाए हो तो लेवल बराबर है, कोई फ्लो नहीं हो रहा है, सब रैंडम है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने ये सोर्स लगा दिया, सोर्स लगाने से क्या हो गया? इधर का पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल हाई हो गया और नेगेटिव वाले की पोटेंशियल लो हो गई, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ जाने लगा लेकिन करंट का फ्लो किधर होने लगा? हाई टू लो। मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, सिर्फ इतना कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज फ्रॉम अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसमें दो बातें हैं जो ध्यान देने वाली बात है, पहला नेट चार्ज और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेट चार्ज आप समझ गए कि एक ही डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे यहां की बात करें तो अगर तीन चार्ज इस तरफ आया तो तीन चार्ज उसी वक्त उधर भी चला जाता है, जिसके वजह से यहां इस एरिया से कोई चार्ज का फ्लो नहीं हुआ, नेट चार्ज का फ्लो नहीं हुआ। फ्लो तो हुआ बट नेट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इस केस में बात करें तो चार्ज इधर ही की तरफ सिर्फ आ रहा है, तो उधर तो कोई चार्ज जा नहीं रहा है, तो इसीलिए इधर की तरफ क्या हो गया? चार्ज का नेट फ्लो हो गया। तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा? मेरे नेट फ्लो हो गया चार्ज का। और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मैंने मतलब समझाया, जैसे ये है तो ये पूरी एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं होती है, इसको कट करोगे ये जो सर्कल पार्ट दिख रहा है, इस सर्कल पार्ट का एरिया क्या कहलाता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। अब तुमसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, एक्सप्लेन कर सकते हो? यस सर। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज फ्रॉम अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? बहुत सुंदर सी बात है। तो हमने आपको इलेक्ट्रिक करंट भी एक्सप्लेन कर दिया। आ जाओ अगर हम बात करें कि सर इसको डिनोट किस चीज से करते हैं और इसका सिंबल क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें हो सकती हैं, तो देखा जाएगा, उसकी बात अलग है। बट पहले इतना उतारो फिर हम आगे देखते हैं। चलो उतार लो फटाक से। चल बच्चों अभी आप ध्यान से देखिए यहां पे मैं क्या बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं किस चीज से डिनोट होता है तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। कभी भी करंट को किसी से डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है मेरे बच्चों? एम्पियर होता है, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहां क्यू क्या होता है? चार्ज, और टी क्या होता है? टाइम। चार्ज होता है कूलम में और टाइम होता है सेकेंड में। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक और ऐसा यूनिट है कूलम पर सेकेंड, है ना। समझ रहे हो बात को? चलो तो ये छोटी सी जानकारी है, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।
और कल से मैं कुछ सोच रहा हूँ थोड़ा सा क्लासेस में चेंज ओवर लाने की। कल से आपकी क्लासेस लंबी होगी, है ना। लंबी होने का मतलब है कि कल से आप आपका क्लास लगभग एक घंटे का तो होगा। अब ये 40 मिनट 37 मिनट और 35 मिनट से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो कल से तुम्हारी क्लासेस 1 आवर की होगी, बिकॉज 30-35 मिनट में टोटल चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती है, क्लासेस लंबी करने की ज़रूरत है। तो ध्यान से कल से हमारी क्लासेस 1 घंटे की होगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, माइंड मेकअप करिए कल से लंबा क्लास होगा, ठीक। और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और डीप में जाएंगे। आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा एकदम एक बार रिवाइज कर लो सर जी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों तरफ का वो इलाका है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होता है, जो मैंने नहीं बताया, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट का निकाला जा सकता है, ठीक है, पहली चीज। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड में अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जो हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में करना पड़ता है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं भी से और इसका फॉर्मूला होता है W/Q। अगर इसके SI यूनिट की बात करें तो वो होता है जूल पर कूलम, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे बताया जाता है कि वोल्टामीटर क्या है, करंट को नापने के लिए एमीटर क्या है, वो सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास, वही चीज़ है, नेक्स्ट क्लास उसी की डिटेलिंग है, ठीक है। आज जो पढ़े उसका ब्रीफ डिटेलिंग है अगले क्लास में, ठीक है, और क्वेश्चंस वगैरह है। फिर क्या बताया मैंने आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहा गया कि किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, ऐसा मत सोचिएगा। इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, नेट चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज कहां से? फ्रॉम अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू चार्ज होता है और टी टाइम होता है। ऐसा यूनिट कूलम पर सेकेंड या फिर इसको एम्पियर भी कहा जाता है। अभी देखो, अभी मैंने एक वोल्ट को डिफाइन नहीं किया है, एक एम्पियर को नहीं डिफाइन किया है, हमने न्यूमेरिकल नहीं करा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, और ना ही हमने करंट पे न्यूमेरिकल करा है, ठीक। अभी तक हमने फील्ड लाइन के बारे में भी नहीं जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते हैं, उसके लाइंस क्या होते हैं, वो भी समझना है हम लोग को, है ना, बहुत बढ़िया समझना है। और तब जाके हम सीखेंगे वोल्टामीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। तो अगले क्लास का टॉपिक इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसके साथ साथ वोल्टामीटर और फिर एमीटर की प्रॉपर्टी और बाकी चीजें। तब तक के लिए आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगला क्लास 1 घंटे का होगा। और अगर कोई दिक्कत है, हम आपके लिए सदैव हाजिर हैं, बस फट से फोन घुमाओ, बस मेरे जब फोन उठाना चाहिए, मैं फ्री होना चाहिए, ठीक है, फोन घुमाओ। जो दिक्कत है, जैसा भी प्रॉब्लम है, आप आसानी से पूछ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए बात को? घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।